कर देंगे। हाँ गिव अवे जरूर करना चाहेंगे, बट उसके लिए आपको सबसे अमेजिंग कमेंट करना है। तो गाइज ये हो सकता है पूरे इंडिया का सबसे छोटा अमेरिकन बुली। प्लैटिनियम मरले कला, प्लैटिनियम मरले, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है यार। मेरा जो फेवरेट लड़का है उसकी बारी आ चुकी है, जो कि है हीटर। ये है एक ब्लू आइज का शेड जू, जो कि बहुत रेयर है ना, भैया बहुत ज्यादा रेयर। बच्चों के साथ देख रहे हो कितनी ज्यादा फ्रेंडली है। ए यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज मैं जा रहा हूँ नागपुर महाराष्ट्र का टूर करने। तो महाराष्ट्र वैसे मेरी फेवरेट स्टेट है, तो अभी हम निकल रहे हैं नागपुर के लिए और जा रहा हूँ अविनाश भैया के पास। और आज आपको दिखाने वाला हूँ अमेजिंग पपीज ऑफ अमेरिकन बुली और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्यारी प्यारी ब्रीड्स। तो लो जी गाइस, भैया के पास पहुंच चुके हैं हम। कैसे हो भैया? बस सब ठीक, आप बताओ सर? बहुत बढ़िया, एटलीस्ट एक डेढ़ साल के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है नागपुर के अंदर फिर से। सर सब कैसे हैं घर पे? सब कैसे? बाकी सब ठीक है, आप बताओ? बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कितना अच्छा लोगो वोगो भी आपने बनवा ली। अब तो ये अभी तो और काफ़ी चेंज होगा, अभी बच्चों के लिए खेलने के लिए और बड़ा स्पेस बन रहा है। अरे वाह, और आज मेरे को देख रहा है स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे अच्छे कुछ गिफ्ट। ओ देखो, ओ हो, तो ये है महाराष्ट्र का हल्क। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि इस जैसा अमेरिकन बुली पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, जो मुझे लगता है। देखो कितना फ्रेंडली है इसके साथ, बच्चों के साथ भी एक बिल्कुल। और ये फ्रेंच बुलडॉग, और ये रहा ब्रिटिश बुलडॉग, वो बेचारा अलग ही घूम रहा है। तो भैया अभी टोटल कितने डॉग हो गए आपके पास यहाँ पे? मेरे पास क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ये बात तो मुझे भी पता है कि आपके पास ऐसी क्वालिटी है जो पंजाब को एक लेवल तक ले जा सकती है, राइट? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे पपीज हमारे पास हैं, तो मेरे को एक एक करके यार प्लीज इन सभी पपीज से मिलवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्यारा अमेरिकन बुली ब्लू आइज के अंदर। कौन सा कलर है भैया? ये लिलैक मरल कलर है। ये बहुत रेयर कलर है, राइट? रेयर कलर भी और क्वालिटी भी देखो, वाह टॉप क्वालिटी। मदर फादर कौन है इसका? मदर फादर कौन है? मदर तो ये अपनी जो हीटर है उसकी डॉटर है। हाँ। और फादर स्पार्टन जो डिम्पी भैया के पास है अमृतसर में। अच्छा। वो यूज किया है, मरले कलर का डॉग है ये। वाह ये लिलैक मरल कलर के पपी आए हैं। ये फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, ये मेल है। हाँ। वाह यार, ये मतलब रेयर कलर होता है, मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन के अंदर से ये ऐसा बच्चा निकलता है, राइट? देयर इज अ नेक्स्ट पपी जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसका नाम क्या है? मेल है फीमेल है? ये फीमेल है ये। अच्छा, इसका कलर? इसका कलर ब्लू मरल है। ब्लू मरल, वाह यार बहुत प्यारी है। ओए ओए, तो ये देखना नीचे कितना प्यारा शिह त्ज़ू के पपीज भी है। इनसे भी मिलवाता हूँ गाइस, अभी बहुत स्पेशल स्पेशल पपीज भी है आज यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने के लिए हमारे पास। तो ये पपी तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद आता है। ये है एक लैलेक कलर का, मेल है फीमेल है? मेल है, मेल है, मेल है। तो भैया अच्छा वैसे सच्ची बताओ, आप अपने दिल से बताओ कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ऐसा अमेरिकन बुल्ली आपने जब लेना था आपको मिला कहीं? बिल्कुल भी नहीं मिला सर। और आज के टाइम में ये चीज अवेलेबल है मार्केट में, राइट? वाह, और ये कौन सा एग्जॉटिक साइज है? ये एग्जॉटिक साइज, सभी एग्जॉटिक है। वाह, तो एग्जॉटिक बेसिकली बहुत छोटे अमेरिकन मदर, मदर में 10 इंच मदर है। अच्छा, और फादर जो स्पार्टन है वो तो ऑल ओवर इंडिया पहचानती जो फादर को। वाह यार, अब ये देख लो कि ये ब्रीड इतनी प्यारी है, जैसे वो घूम रहा है उसके सामने छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहा किसी को। इट्स जस्ट अ टॉय ब्रीड है ना? हां टॉय ब्रीड है। वो देखना ये कितना तेज है, बहुत तेज है जो ये। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं सभी। तो लो जी, इसके बाद दो अमेजिंग और पपीज एक साथ लेके आए हैं। ये भी सेम लीटर के हैं भैया? नहीं, ये दूसरे लीटर के हैं। अच्छा, इनकी मदर थाईलैंड इंपोर्ट है। ओके। और फादर अपना 20 हल्क बोले तो हीटर, हीटर यही कहीं घूम रहा है वो भी। अच्छा, शरारते करता इतना चला गया वो। ये मेल है, ये ऑलरेडी बुकेड है, पुणे जा रहा है ये। अच्छा हाँ। और ये फीमेल है ये। वाओ, और इनका कलर एग्जैक्ट कौन सा है? ब्लू मरल है, ब्लू मरल। तो बेसिकली इनके जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज एग्जॉटिक जब आप एक चीज़ की तरफ जाते हैं, एग्जॉटिक वो होता है जो बहुत कम अवेलेबल होता है मार्केट में। और ये कलर कुछ ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र वाली साइड में आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। जब आप पंजाब आओगे वहाँ पे भी अगर देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन और वहाँ पे भी किसी की किस्मत अच्छी होगी तभी उसको ये पपी अवेलेबल मिलेगा। और ये पपीज ऐसे होते हैं ना यार, ये इतने दिखने में तो प्यारे होते ही होते हैं, पर ये ब्रीड बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये आपको घर में ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह घुल जाती है ना, बिल्कुल आपका मन ही नहीं करता फिर कुछ और करने का। और ये नीचे घूम रहे हैं, देखो देखो भैया के पैर को, पैर के पीछे पीछे। ये लीटर में का एक पपी है, ये नैनो साइज में जाएगा ये। ओह माय गॉड। तो गाइस ये हो सकता है पूरे इंडिया का सबसे छोटा अमेरिकन बुली, राइट? राइट, बहुत ज्यादा इसका एग्जॉटिक साइज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये वंस इन अ
मून आता है, कई दिनों के बाद कई सालों के बाद एक ऐसा पपी निकलता है जो इतना ज़्यादा छोटा होता है, और यही जो है आगे आगे जो है ब्रीडिंग की चीज़ें चेंज कर देता है कि छोटे पपीज आने के साइज़ वो बिल्कुल. आपने कोई कॉम्बिनेशन नहीं किया, ये भगवान की दी देना है राइट. बिल्कुल, बिल्कुल. ये देखना अभी इसका, अभी थोड़ा आपको साइज समझ आएगा कितना छोटा है. सेम एज है इनकी दूसरे पपीज जितनी. हाँ बिल्कुल. कितना ज़्यादा छोटा है, कितना ज़्यादा छोटा है. तो इसको आप अपने पास ही रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं जाएगा, ये एआर कैनल में रहेगा, एआर कैनल की शान बनेगा ये. क्यों नहीं भाई, पैनिक नाम है इसका, पैनिक. पैनिक ये पैनिक हो जाता है बेचारा. ओह माय गॉड, बहुत क्यूट है यार ये, बहुत ज़्यादा क्यूट है. तो लो जी गाइस, आफ्टर अमेरिकन बुली हमारे को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यारे फ्रेंच बुलडॉग. इनकी कितनी एज है भैया? इनकी एज है 70 डेज. और ये भी एग्जॉटिक है? ये भी एग्जॉटिक, क्योंकि इनका कलर मैं देख सकता हूँ, ये वैसा कलर नहीं है जो रेयरली हमारे को मार्केट में मिल जाता है. कौन कौन सा कलर है थोड़ा बताओगे इनके बारे में? फॉन ब्रिंडा, फॉन कलर में है ये. हाँ, और ये ब्लैक टैन. ब्लैक टैन है ये. ब्लैक टैन है यार, वाह. और कौन से इधर देख रहा हूँ मैं, और भी तीन पपीज हैं, उनको भी निकाल के दिखाओ ना यार प्लीज हमारे को. तो ये जी एक और अमेजिंग सा पपी, ये है कौन सा कलर है ये? ये प्लैटिनियम मार्ले कलर. प्लैटिनियम मार्ले, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है यार, वाओ. और ये मतलब ये दोनों चीजें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये दोनों ब्रीड जो आपके पास है ना, ये बहुत कम देखी है मैंने इस एरिया में. यहाँ पे लोग मोस्टली वर्किंग ब्रीड या गोल्डन रिट्रीवर ऐसी ब्रीड्स को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे. बट अभी पुलकित भाई क्या है पता है क्या, अभी धीरे धीरे नागपुर बोलो, महाराष्ट्र बोलो, मुंबई बोलो, मेट्रो सिटी बनते जा रही है. हाँ, मुंबई तो ऑलरेडी मेट्रो सिटी है. मेट्रो सिटी में कैसा छोटे स्मॉल ब्रीड होना, जैसे कि फ्लैट में रख सके छोटी जगह में, हाँ, अच्छे से जीरो मेंटेनेंस वाले डॉग होना मेट्रो सिटी में, तो आदमी दिन भर काम करके आया रहता है, उसको थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीज मिल जाता है अगर छोटा पपी हो, छोटा छोटी ब्रीड. बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि इजी टू मेंटेन, इजी टू हर एक चीज, जीरो मेंटेनेंस. सो गया वो बैठा बैठा, उसको नींद आ गई है, इतना खाया हुआ है उसने कि उसको नींद ही आ गई. तो गाइस एक पिक्चर के लिए देख रहे हो हमने कितने सारे लोगों को एक फोटो कराने के लिए इकट्ठा होना पड़ा. तो भैया के पास जो है अमेजिंग शिह त्ज़ू के भी पपीज हुए हैं. ये शिह त्ज़ू बहुत डिफरेंट है बिकॉज इनमें एक ब्लू आइज का शिह त्ज़ू भी है ना. बिल्कुल सर, ये देखो. ओ भाग्य, कहा जाएगा कहा जाएगा कहा जाएगा. ए ये लो भैया, ये है एक ब्लू आइज का शिह त्ज़ू जो कि बहुत रेयर है ना भैया, बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलता है. नॉट फॉर एनी वन है, जस्ट स्पेशल फॉर पर्सनल कलेक्शन भैया की. अरे वाह. तो ये सामने जो हमारे दो भाई हैं, ये दोनों भाई भी नागपुर के बहुत अमेजिंग यूट्यूबर है. कैसे हो भाई? सब बढ़िया है. आपका चैनल किस नाम से है? अनिरुद्ध अलोने के नाम से ही, मेरे नाम से चैनल है. और आपका? मेरा है आशीष डॉग वर्ल्ड के नाम से. वाओ, तो भाई इन दोनों का चैनल आपने ब्लू जरूर चेक करना है. इन्होंने मेरे साथ एक वीडियो भी डाल लिया, तो उसमें आपने जाके जरूर प्यार देना है. और वो भाग गया, ओ नीचे मत भाग जाना भाई तुम. भाई अच्छा लगा, आज काफी अच्छा लगा और कुछ नई चीजें सीखने को मिली. थैंक यू सो मच भाई. तो भैया अभी इसके बाद आप हमारे को क्या दिखा रहे हो? अभी पहले हमने पपीज दिखा दिए, अब हमारे को बड़े डॉग्स दिखाओ यार. बिल्कुल, अभी आपको कलेक्शन दिखाते हैं क्या क्या है एआर लग्जरी कैनल. तो लो जी गाइस, अभी बात कर रहे थे हम बड़े डॉग्स की, तो भैया ने जो है अभी सबसे पहले अपना ओ भाग रहे है ग्रूमिंग से शिह त्ज़ू निकाला है. कितनी एज है भैया इसकी? इसकी ये 12-13 महीने का. ये 12-13 महीने का है और ये इतना वेल मेंटेन्ड, इतना वेल ग्रूम्ड, कौन सी पेडिग्री से बिलोंग करता है कुछ बता सकते हो उसको? बबल का डायरेक्शन है जो महाराष्ट्र में हिंगोली है. हाँ, वहाँ पे बबल इंपोर्ट हुआ था थाईलैंड से. इसकी मदर भी इंपोर्ट है और फादर भी इंपोर्ट है. फादर बोले तो इंडिया फेमस डॉग, इंडिया चैंपियन, थाईलैंड चैंपियन, और बबल का डायरेक्शन है ये. वाह, मतलब इसके अंदर पूरी एक चैंपियन पेडिग्री लाइनशिप है. तो अभी जैसे जो आपके पास पपीज होते हैं वो सभी मोस्टली इसी डॉग के रहते हैं? पपी जो है अभी इसी के पपी है. अरे वाह यार, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है. क्या नाम है इसका? इसका पाब्लो. पाब्ला, स्मार्ट नेम. तो इतना यार मेंटेन करने में टाइम लग जाता होगा, है ना यार, घर पे. मतलब लास्ट टाइम मैंने देखा था कि भाभी पूरा टाइम देते हैं, स्पेशली शिह त्ज़ू ब्रीड को पूरा भाभी संभालते हैं ना. वाह यार, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो एक बार अविनाश भैया वाला हमारा लास्ट ब्लॉग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अविनाश भैया का जो है एक बहुत बड़ा खुद का शोरूम है, होलसेल का जो है इनका एक बहुत बड़ा काम है. तो पूरा टाइम वैसे ही अपना उसमें देते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं, और साथ ही साथ जो इनका पैशन है, जो इनका पार्ट टाइम और इनको जो जिनसे एनिमल से प्यार है, वो फिर जितना बाकी जितना भी दिन का आधा दिन जो रहता है वो पूरा का पूरा जो है इन एनिमल्स को जो है वो डेडिकेट करते हैं. तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अगर आप भी एक एनिमल लवर है और आपका भी एक बिजी शेड्यूल रहता है,
बट अगर आप एनिमल नहीं ले पाते हैं तो आप किसी तरीके से भी एनिमल लव को जो है जिंदा रख सकते हैं, चाहे वो एक स्ट्रीट डॉग के साथ आपको रखना हो। तो अभी बारी है इसके बाद एक फ्रेंच बुलडॉग को देखने की। तो ये कौन है भाई, इसके बारे में बताइए प्लीज। ये ऑर्किड है ये। ओके, ये मेरी होम ब्रीडिंग की रूबी की लड़की है। अच्छा, इसकी मम्मी सुपरमैन की डायरेक्ट डॉटर है, ये सुपरमैन की ग्रैंड डॉटर है ये। ओके, ये जो पप्पी जो अभी देखे आपने इसी के हुए हो। अच्छा, ये उनकी मम्मा है, तभी ये इधर घूम रही है इतनी देर से, तभी अपने बच्चों के साथ घूमी घूमी कर रही है। वाह यार भैया, यार अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे जल्दी से अमेरिकन बुली दिखा दो क्योंकि मेरे वो फेवरेट है यार, मुझको जल्दी से दिखा दो मतलब। तो लो जी गाइस, मेरा जो फेवरेट लड़का है उसकी बारी आ चुकी है, जो कि है हीटर। तो ये बेसिकली नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा डॉग आपको नहीं देखने को मिलेगा। कितनी एज होगी अभी है इसकी? तीन साल का हो गया। और इसकी जो चेन देख रहे हो ना आप, ये 50 तोला वो संजय दत्त वाली चेन है ये। आए क्या बात है यार, ऐसी चेन पहन के अगर मैं अपने डॉग को मीमी को घुमाने लग जाऊं, लग्जरी डॉग है तो लग्जरी चेन भी होना चाहिए। हाँ ये तो बनता है। ये दिखने में बस खतरनाक है गाइस, ये बहुत ज्यादा बोला बच्चा है, बहुत ज्यादा। हाँ ओए, बिल्कुल ये मीमी जैसा है, बिल्कुल शांत समझदार। तो लो जी, यहाँ पर पूरी की पूरी भैया की बुलडॉग कलेक्शन आ गई है। तो ये दो फीमेल है और आपके पास एक मेल है अभी बुलडॉग। चॉकलेट वाला मेल है और ये दो फीमेल है। ये चॉकलेट वाला मेल भी मुझे बहुत रेयर लग रहा है भैया, क्या सीन है, कहाँ से है, कुछ बताओ ना इसके बारे में मेरे को। बताएंगे उसके बारे में भी। ये पंजाब से लिया है मैंने। अच्छा, सिंधा भाई से जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो। अच्छा अच्छा, उन्हीं से लिया हुआ। वाओ, और ये कितनी एज है इसकी अभी चॉकलेट वाले की? ये 7-8 मंथ का है वो। और ये फीमेल 2 इयर्स की है। वाओ, और ये भी बहुत एक्सोटिक लग रही है मुझे। हाँ, एक्सोटिक ही है पूरी, ये तो थाईलैंड इंपोर्ट है ये। अच्छा, ये थाईलैंड इंपोर्ट है। वाह यार, ये ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है गाइस, अगर आप इस ब्रीड को रखना चाहते हो ना, सो यू शुड हैव अ लग्जरी लाइफस्टाइल, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये ब्रीड अच्छा खासा खाती तो है बट ये मांगती है आराम। ये आपके साथ प्यार तो जरूर करेगी पर ये आराम मांगती है, ऐशो आराम मांगती है, पूरा आराम मांगती है, एसी मांगती है। एसी तो भैया आजकल पक्को भी देना पड़ता है। वाओ, आपका ओरियो भी तो एसी में रहता है कंटिन्यू। ओहो, बेचारे को रखना पड़ता है, गर्मी इतनी होती है भैया उस साइड। तो गाइज, ये ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो बच्चों के साथ देख रहे हो कितनी ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब मैंने तो यहाँ पे जितने डॉग्स देखे सभी बिल्कुल फ्रेंडली है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक्चुअली मैंने जो ब्रीडिंग जो चालू की है, हाँ, ब्रीडिंग चालू करने का पर्पस ये था मेट्रो सिटी में मेरे बच्चे हर एक घर में जाने को होना। हाँ, ये छोटी लाइफस्टाइल में मुझे बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके साथ रह लेते हैं और उसके साथ मैंने एक्सोटिक प्लस कर लिया। डॉग है जो कि मुझे बहुत पसंद है बिकॉज उसका नाम भैया ने बहुत अमेजिंग रखा हुआ है। क्या नाम है भैया बताओ प्लीज इसका? इसका नाम है जेठालाल। जेठालाल, वाह, पूरी टप्पू सेना भैया ने घर पे गिट्टी की हुई है। टप्पू सेना पूरी है मेरे पास, जेठालाल है, बबीता है, बागा था। अच्छा, बागा भी था? हाँ, बबीता भी थी। अरे वाह वाह, बहुत सही यार। अरे छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये मस्ती करने के मूड में है, ये मस्ती करने के मूड में है। अरे वाह भैया ने दो बहुत अमेजिंग, एक तो एक फ्रेंच बुलडॉग है, ये फ्रेंच बुलडॉग है ना भैया? हाँ, ये फ्रेंच बुलडॉग है ये। वाह, क्या नाम है इसका? इसका प्ले बॉय। प्ले, क्या बात है, स्मार्ट नाम रखा है भैया, बहुत सही। और ये दूसरा कौन सा है? ये ओए इधर आ, ये अमेरिकन बुली है। ये अमेरिकन बुली है। इसका नाम क्या है? ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल, वाह यार बहुत अच्छे नाम रखते हैं वो, देखो कितने प्यार से प्यार लेने आए। ओए होए होए, कितना खुश हो रहा है, कह रहा हाँ। आई लव दिस ब्रीड ब्रो, ये बहुत सही ब्रीड होती है। और वो देखना उधर से, वो देखो कितने फ्रेंडली है, ओए होए ओवर फ्रेंडली, वो देखो उसको उसको खा गए बेचारे को। वाह यार, यार भैया इतनी ज़्यादा हिम्मत चाहिए, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इतने सारे डॉग्स और इतनी महंगी महंगी ब्रीड्स को संभाल के रखने के लिए ना। शौक है ये पुलकित भाई, शौक है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, रेयर चीज़ रखने का शौक है, अच्छी चीज़ अपने घर में होना, अपने पास होना, बस एक बचपन से हट के कुछ शौक रख करे तो यही शौक करा हुआ। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल माननी पड़ेगी। बाकी थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे हर बार की तरह मिलके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, मेक श्योर हिट द लाइक बटन। और अगर आप कोई किसी भी पपी के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप जो है भैया का नंबर, इनका इंस्टाग्राम, इनका पूरा सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है,
आपने ज़रूर वहाँ पर जाकर उसको चेक करना है। और मुझे एक चीज़ आपने हमेशा की तरह कमेंट में बतानी है कि आपको इतने सारे डॉग्स में से सबसे बेस्ट डॉग कौन सा लगा, जिसका सबसे अमेजिंग कमेंट होगा तो हम कुछ अमेजिंग प्लान कर रहे हैं। तो क्या पता कि इन सभी पपीज में से कोई एक पपी आपके पास ही पहुंच जाए। सो मेक श्योर गिव अप कर देंगे, हाँ गिव अवे जरूर करना है चाहेंगे, बट उसके लिए आपको सबसे अमेजिंग कमेंट करना है और आपको बताना है कि सबसे अमेजिंग पपी कौन सा था। विद दैट करते हैं आज के व्लॉग का एंड, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।